आज हम टॉपिक लेकर के आए हैं बीएससी पार्ट सेकंड के लिए यूनिट सेकंड से, और यहाँ हम स्टडी करेंगे ऊष्मागतिकी एवं उसकी सांख्यिकी के बारे में। आज में हम बात करेंगे। सबसे पहले ऊष्मागतिकी जो शब्द है, इसके इंट्रोडक्शन के लिए मैं आपको बता दूँ कि ऊष्मा और गतिकी दो शब्द हैं। ऊष्मा यानी कि जिसको हम एनर्जी कहते हैं, और एनर्जी पाकर के जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स गति करने लगते हैं, और उस गतिकी के अध्ययन को ही पूरी शाखा को मिलाकर के हम कहते हैं ऊष्मा गतिकी। यानी कि कोई पार्टिकल्स है, जो कण है, वो ऊष्मा पाकर उसके वेग, उसके वर्ग माध्य मूल वेग, उसके घनत्व आदि में क्या परिवर्तन आने वाला है, इस चीज को हम देखते हैं ऊष्मा गति के अंतर्गत। ये ऊष्मा गति का इंट्रोडक्शन। इसके बाद हम बात करते हैं ऊष्मा गति की में ऊष्मा और ताप। ये बेसिक डिफरेंस हमें नजर आना चाहिए कि ऊष्मा और ताप क्या है, क्योंकि कई बार इन दोनों में हमारे कंफ्यूजन रहता है कि ऊष्मा किसे कहेंगे, ताप किसे कहेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऊष्मा, कि ऊष्मा क्या है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है, और इसको जो है कैलोरी, किलो कैलोरी, जूल, इन यूनिट्स में इसको मापा जाता है। ऊष्मा एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा। बात करते हैं हम ताप की। तो ताप जब हम किसी वस्तु को छू करके देखते हैं तो हमें छूते ही पता चल जाता है कि वह वस्तु ठंडी है या गर्म है। अगर वस्तु का टेम्परेचर कम है तो हम कहते हैं कि वस्तु क्या है, ठंडी है, या पदार्थ ठंडा है। यदि उसका टेम्परेचर, उसका ताप ज़्यादा है, अधिक है, उसकी ऊष्मा अधिक है, तो हम कहते हैं कि जो वस्तु है वो गर्म है। यानी कि ताप का सीधा सीधा संबंध जो है वस्तु के ठंडेपन और गर्मपन से है। यानी कि हम ये कह सकते हैं ताप की परिभाषा के लिए कि वस्तु का गर्मपन और ठंडापन क्या कहलाता है, ताप। क्योंकि गर्मपन और ठंडापन ही उसका ताप डिसाइड करता है। तो ताप, अब ताप को जो है डिग्री सेल्सियस, फारेनहाइट और केल्विन, इन पैमानों में ताप को प्रदर्शित किया जाता है। ये इसकी इकाइयां हैं ताप की। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं स्थूल निकाय कि हम ऊष्मा गतिकी में स्थूल निकाय किसे कहते हैं। तो यहाँ हम स्थूल निकाय की बात करें तो ऐसे निकाय जिनमें बहुत अधिक संख्या में सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, ये उपस्थित हों, ऐसे निकाय को हम कहते हैं स्थूल निकाय। अब यहां हम बात करते हैं स्थूल निकाय की। ऐसे निकाय जिनमें बहुत अधिक संख्या में सूक्ष्म कण, बहुत अधिक मात्रा में सूक्ष्म कण उपस्थित हों। अब सूक्ष्म पार्टिकल्स में हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन्स है, इनकी मात्रा बहुत अधिक हो तो ऐसे निकाय को हम कहते हैं एक स्थूल निकाय। तो बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं ऐसे निकाय, स्थूल निकाय कहलाते हैं। तो इस प्रकार के निकाय को हम स्थूल निकाय की श्रेणी में लेते हैं। इसके बाद हम चर्चा करने वाले हैं कि स्थूल निकायों के अध्ययन के लिए जो हमारे पास दो विधियां हैं, स्थूल निकाय के अध्ययन के लिए हमारे पास दो विधियां हैं। पहली विधि है ऊष्मा गति की, पहली विधि है हमारे पास ऊष्मा गति की। और दूसरी विधि है सांख्यिकी।
तो यहाँ हम इन दोनों विधियों पर चर्चा करेंगे। पहली विधि उष्मागतिकी, दूसरी विधि सांख्यिकी। उष्मागतिकी जो विधि है, उष्मागतिकी विधि के अंतर्गत उष्मागतिकी जो विधि है इसके अंतर्गत उष्मागतिकी में जो है हम उस पदार्थ के ताप, दाब, घनत्व इत्यादि के का अध्ययन करते हैं। इनकी ताप, दाब, आयतन, घनत्व आदि का अध्ययन करते हैं इसके अंतर्गत उष्मागतिकी के अंतर्गत। दूसरी जो विधि है सांख्यिकी, सांख्यिकी के अंतर्गत हम जो उष्मा पाकर के पदार्थ है उस पदार्थ के कणों के वेग, वर्गवाद्य मूल वेग इनका अध्ययन करते हैं। वेग, वर्गमाध्य मूल वेग और इसके अलावा जो है क्वांटम संख्या और कभी कभी इसके अध्ययन इसके साथ साथ जो है हम घनत्व को भी इसमें इसके द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। घनत्व का भी जो है हम अध्ययन सांख्यिकी के अंतर्गत कर सकते हैं। इसमें और भी है, इसमें ऊर्जा भी एक और ऐड कर लें, ऊर्जा ताप दाब आयतन घनत्व आदि का अध्ययन करते हैं और सांख्यिकी के अंतर्गत हम उन पार्टिकल्स का वेग, वर्गमाध्य मूल वेग, क्वांटम संख्या इत्यादि का अध्ययन करते हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पर। स्थूल निकायों में सूक्ष्म अवस्थाएं एवं अभिगम्य अवस्थाएं, सूक्ष्म अवस्थाएं एवं अभिगम्य अवस्थाएं। यहाँ हम स्थूल निकाय में सूक्ष्म अवस्थाएं और अभिगम्य अवस्थाओं को देखेंगे। तो किसी निकाय में सूक्ष्म अवस्थाओं को चार क्वांटम संख्याओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किसी निकाय में जो सूक्ष्म अवस्थाएं हैं उनको चार क्वांटम संख्याओं में प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ एम कहलाती है मुख्य क्वांटम संख्या। एल द्विगंशी क्वांटम संख्या, एम एल ये चुंबकीय क्वांटम संख्या और एम एस स्पिन क्वांटम संख्या या चक्रण क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और एम एस चक्रण क्वांटम संख्या के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। अब ये जो सूक्ष्म अवस्थाएं हैं, यह सूक्ष्म अवस्थाएं यदि ये सूक्ष्म अवस्थाएं सभी संरक्षण नियमों का यदि पालन करती है तो फिर ये सूक्ष्म अवस्थाएं अभिगम्य अवस्थाएं कहलाती है। यदि यह सूक्ष्म अवस्थाएं सभी संरक्षण नियमों का पालन करती है तो फिर यह अभिगम्य अवस्थाएं कहलाती है।
इसे ओमेगा ई के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। मुख्यतः जो है सामान्य तौर पर ओमेगा ई के द्वारा इसको रिप्रेजेंट करते हैं कि जो अभिगम्य अवस्थाएं हैं वो क्या है, म्यू सॉरी ओमेगा ई के रूप में जो है प्रदर्शित किया जाता है। तो ये हमने बात की स्थूल निकाय में सूक्ष्म अवस्थाएं एवं अभिगम्य अवस्थाओं की। इसके बाद हम बात करेंगे जो स्थूल निकाय है उस उनमें होने वाली अन्योन्य क्रिया के बारे में। तो यहाँ हम अब चर्चा करेंगे स्थूल निकाय में अन्योन्य क्रिया है। तो अन्योन्य क्रिया है किसी भी प्रकार की होती है, उष्मा अन्योन्य क्रिया हम यहाँ पर जो पढ़ेंगे उष्मीय अन्योन्य क्रिया को पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ हम दो निकाय लेकर के चल रहे हैं, दो निकाय है हमारे पास, एक तो निकाय है ए और दूसरा निकाय है ए डैश, और ये दोनों निकाय आपस में एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं, यानी कि लगित निकाय है। और इनसे बना जो निकाय है ए स्टार उसको कहेंगे हम इन दोनों का संयुक्त निकाय, ठीक है। अब यहाँ यदि हम बात करें तो जो निकाय ए व ए डैश है ये दोनों निकाय आपस में मिलकर के उष्मीय अन्योन्य क्रिया कर रहे हैं। कौन सी अन्योन्य क्रिया कर रहे हैं, ए और ए डैश मिलकर के उष्मीय अन्योन्य क्रिया संपन्न कर रहे हैं। तो यदि हम प्रारंभ की बात करें तो हम मानकर के चलते हैं कि ए निकाय की प्रारंभिक जो ऊर्जा थी वो थी ई आई, और ए डैश निकाय की प्रारंभिक ऊर्जा की बात करें तो वो थी ई आई डैश, यानी कि इनिशियल स्टेज पे जब अन्योन्य क्रिया प्रारंभ नहीं हुई उससे पहले जो उनकी ऊर्जाएं हैं पूर्व की वो है ई आई और ई आई डैश। अन्योन्य क्रिया संपन्न हो गई, उनमें उष्मा का आदान प्रदान हो गया, उष्मा का आदान प्रदान होने के पश्चात जो निकाय है ए और ए डैश उनकी जो ऊर्जाएं हैं अन्योन्य क्रिया के बाद उनकी जो ऊर्जाएं हैं वो इस तरह से है ई एफ यानी कि फाइनल ए ए डे ए डैश में जो अंतिम ऊर्जा होगी वो होगी ई एफ डैश के रूप में होगी। तो यहाँ हमने देखा कि पूर्व में जो निकाय ए और ए डैश है उनकी ऊर्जाएं हैं ई आई डैश ई आई और ई आई डैश, और अन्य क्रिया संपन्न होने के बाद इनकी ऊर्जाएं हैं ई एफ और ई एफ डैश के रूप में है। अब इन दोनों के बीच में अन्य क्रिया संपन्न होगी और यहाँ हम लेकर के चल रहे दोनों निकायों का संयुक्त निकाय ए स्टार जो कि एक संयुक्त निकाय है इन दोनों से मिलकर के बना हुआ है। तो यहाँ में समझाने वाली बात यह है कि जो संयुक्त निकाय है उस संयुक्त निकाय की जो ऊर्जा है, क्योंकि यह निकाय किसी अन्य दूसरे निकाय से लगा हुआ नहीं है, तो उस स्थिति में इस संयुक्त निकाय ए स्टार की जो ऊर्जा है वो नियत रहेगी, यानी कि जो प्रारंभ में अन्योन्य क्रिया प्रारंभ के होने के पूर्व में जो ऊर्जा थी वही अन्योन्य क्रिया संपन्न होने के पश्चात उसकी ऊर्जा रहेगी। यानी कि यहाँ पर अन्योन्य क्रिया के समय जो संयुक्त निकाय है जिसको हम विलघित निकाय भी कह सकते हैं इसकी ऊर्जा कॉन्स्टेंट रहेगी, नियत रहेगी। तो यहाँ दो शब्द समझ में आते हैं, विलगित निकाय और लगित निकाय। लगित निकाय तो कौन कौन से हैं हमारे पास, ए और ए डैश, यानी कि जो निकाय आपस में संयुक्त रहते हुए लगित अवस्था में होते हैं, लगे हुए होते हैं, उनको कहते हैं हम लगित निकाय। और जो निकाय किसी भी अन्य दूसरे निकाय के संपर्क में नहीं होता है उस निकाय को कहते हैं हम विलगित निकाय। यानी कि यहाँ हम बात करें ए स्टार की तो यह एक प्रकार का विलगित निकाय है, और विलगित निकाय की जो ऊर्जा है वह क्या रहेगी, पूरी अन्योन्य क्रिया में नियत रहेगी। और हम इस ए स्टार की ऊर्जा को लेकर के चलते हैं
ई स्टार के रूप में जो कि क्या रहेगी, कांस्टेंट। यह ऊर्जा कांस्टेंट रहने वाली है। अब इनमें जो ऊर्जा का विनिमय हुआ, इन दोनों निकायों में ऊर्जा का जो विनिमय हुआ उसको गणितीय रूप में हम इस तरह से समझेंगे कि ई एफ माइनस ई आई इज इक्वल टू ई एफ डैश माइनस ई आई डैश। इस तरह से कि अंतिम ऊर्जा में से प्रारंभिक ऊर्जा ए के लिए और अंतिम ऊर्जा में से प्रारंभिक ऊर्जा को घटाएंगे किसके लिए, ए डैश निकाय के लिए। तो यहां पर हम देखें तो इस डिफरेंस को हम ले सकते हैं डेल्टा ई के रूप में, इस डिफरेंस को ले सकते हैं हम डेल्टा ई डैश के रूप में ले सकते हैं यहां पर। तो इस तरह से जो है हम इस डिफरेंस को ले सकते हैं। यहां ध्यान रखने वाली बात यह है, यहां हमें थोड़ा सा इसको करेक्ट करना पड़ेगा। ये जो संयुक्त निकाय इन दोनों निकाय के बीच में जो अन्यमी क्रिया हुई है उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे कि ई आई प्लस ई आई डैश इज इक्वल टू ई एफ प्लस ई एफ डैश, यानी कि जो इसकी ऊर्जा है जो संयुक्त निकाय ए स्टार है इसकी जो ऊर्जा रहेगी वो क्या रहेगी, संरक्षित। संयुक्त निकाय ए स्टार की ऊर्जा संरक्षित रहती है तब। ये तो हो गई प्रारंभ में जो संयुक्त निकाय है उसकी प्रारंभ में एनर्जी क्या है, ई आई प्लस ई आई डैश, यानी दोनों निकायों की प्रारंभिक ऊर्जाओं का योग, और वो बराबर होगा इसके अन्योन्य संपन्न होने के बाद दोनों निकायों की ऊर्जा के योग के बराबर। अब यहां हम जो है ई आई माइनस, अब यहां हम इन निकायों को जो है एक मैथमेटिकल प्रोसेस से लेकर के चलते हैं, तो ई एफ अंतिम ऊर्जा माइनस प्रारंभिक ऊर्जा प्लस ई एफ डैश माइनस ई आई डैश। हम इन दोनों पदों को जो राइट वाला पार्ट है उस तरफ ले जाएंगे और इस तरह से इनको घटाएंगे इज इक्वल टू जीरो। तो ये जो ऊर्जा डिफरेंस है उसको मैं ले रहा हूँ डेल्टा ई से, इस ऊर्जा डिफरेंस को मैं ले रहा हूँ डेल्टा ई डैश के रूप में इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ देखने को मिलता है कि डेल्टा इज इक्वल टू माइनस डेल्टा ई डैश, और ये जो समीकरण मिली है हमें डेल्टा ई इज इक्वल टू माइनस का डेल्टा ई डैश, ये समीकरण अपने आप में क्या कह रही है इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहां ये समीकरण है डेल्टा ई इज इक्वल टू माइनस डेल्टा ई डैश, ये समीकरण यहां हमें ये बता रही है कि हमने दो निकाय लिए थे ए और ए डैश, ए और ए डैश, यहां इन दोनों निकायों के बीच ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया संपन्न हो रही है। ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया तभी संपन्न होती है जब दोनों निकायों में से एक निकाय की ऊष्मा ज्यादा हो, यानी कि एक निकाय का ताप ज्यादा हो और दूसरे निकाय का ताप कम हो। तो ऊष्मा का जो संचरण होता है वह होता है उच्च ताप की वस्तु से निम्न ताप की वस्तु की ओर। तो यहां यदि एक निकाय
स्वयं की उष्मा में यानी कि उष्मा ग्रहण करता है तो दूसरे निकाय के द्वारा उस निकाय को उष्मा प्रदान की जाती है। यानी कि हम इसको सीधे सीधे तौर पे समझें तो एक निकाय के तापमान में कमी होगी तो दूसरे निकाय के तापमान में वृद्धि होगी। यहाँ हम चूंकि ऊर्जा लेकर के चल रहे हैं तो यहाँ हम सीधे सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि एक निकाय की ऊर्जा में कमी होगी वह उतनी ही दूसरे निकाय की ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होगी। तब जाकर के ये जो संयुक्त निकाय है इसकी जो ऊर्जा है E स्टार यह क्या बनी रहेगी, नियत बनी रहेगी, कांस्टेंट बनी रहेगी। यह इक्वेशन यही हमें प्रूव करती है कि एक निकाय की ऊर्जा में यदि वृद्धि होती है तो दूसरे निकाय की ऊर्जा में क्या होगी, कमी। और यही कहलाती है स्थूल निकायों में जो उष्मीय अन्योन्य क्रिया है उसको यह इक्वेशन प्रदर्शित करती है। इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, उष्मीय अन्योन्य क्रिया को आगे बढ़ाते हुए कि अब इसी पद को हम आगे बढ़ाएंगे उष्मीय अन्योन्य क्रिया के रूप में। तो यहां हम जो स्थूल निकाय है उनमें जो अन्योन्य क्रियाएं होती है वो चार प्रकार की अन्योन्य क्रियाएं होती है, इनको हम देखेंगे। हमने इससे पहले जो स्थूल निकाय में अन्योन्य क्रिया पड़ी वो ऊर्जा विनिमय से संबंधित थी कि ऊर्जा एक ही एक निकाय यदि किसी दूसरे निकाय को ऊर्जा देता है तो एक निकाय की ऊर्जा में कमी होगी तो उतनी ही ऊर्जा में जो है वृद्धि दूसरे निकाय में होती है। अब यहाँ पढ़ेंगे उसी को आगे बढ़ाते हुए कि जो स्थूल निकाय है उनमें चार प्रकार के अन्योन्य क्रिया समूह है। पहली पढ़ेंगे हम उष्मीय अन्योन्य क्रिया। यदि किसी निकाय के बाह्य प्राचलों को नियत रखा जाए यानी कि बाह्य प्राचलों को चेंज नहीं किया जाए जैसे ताप दाब और आयतन की जो कंडीशंस है इनको कॉन्स्टेंट रखा जाए तब उस स्थिति में उष्मा के आदान प्रदान के द्वारा यानी कि ऊर्जा का आदान प्रदान करके यह उष्मीय अन्योन्य क्रिया संपन्न होती है। उष्मा का आदान प्रदान किया जाता है उन निकायों के बीच में और इसी को हम कहते हैं उष्मीय अन्योन्य क्रिया। लेकिन यहाँ जानने वाली बात यह है कि बाह्य प्राचल जो है नियत होने चाहिए। बाह्य प्राचल जैसे ताप है, दाब है, घनत्व है, आयतन है, ये कॉन्स्टेंट रहे, नियत रहे, उस स्थिति में निकाय के बीच यदि उष्मा का आदान प्रदान होता है तो वह कहलाती है उष्मीय अन्योन्य क्रिया। अब यहाँ हम लेकर के चलते हैं यदि किसी निकाय की ऊर्जा में जैसे कि हमने जो पिछले वाले टॉपिक में पढ़ा है कि दो निकाय लेते हैं हम ए और ए डैश और दोनों निकाय एक दूसरे से लगित हैं और एक दूसरे से जो है उष्मीय अन्योन्य क्रिया संपन्न कर रहे हैं जैसा कि हम पढ़ रहे हैं और उष्मीय अन्योन्य क्रिया संपन्न हो रही है तो एक निकाय के ताप में वृद्धि होगी और एक निकाय के ताप में कमी होगी। यानी कि एक निकाय से दूसरे निकाय में उष्मा का संचरण होगा, एक निकाय की उष्मा में कमी होगी तो दूसरे निकाय की उष्मा में वृद्धि होगी और इनका जो संयुक्त निकाय है उस संयुक्त निकाय की उष्मा या ऊर्जा जो है नियत बनी रहेगी इस पूरे प्रक्रम के समय। तो यहाँ हम मानकर के चलते हैं कि एक निकाय की जो उष्मा है हम लेकर के चलते हैं कि जो निकाय ए है, निकाय ए उस निकाय ए की जो ऊर्जा है वो है हमारे लिए क्यू और निकाय ए डैश उसकी ऊर्जा है आपके पास उष्मा जो है वो है क्यू डैश। उसकी उष्मा की क्या है हमारे पास क्यू डैश है, ठीक है। अब यह जो उष्मा है ये हम लेकर के चलते हैं डेल्टा ई के बराबर, ये डेल्टा ई डैश के इक्वल। तो डेल्टा जो हमने अन्योन्य क्रिया पढ़ी थी, व्यापक अन्योन्य क्रिया, व्यापक अन्योन्य क्रिया का इन दोनों के बीच का जो संबंध हमने लिखा था डेल्टा ई प्लस डेल्टा ई डैश इज इक्वल टू जीरो, उसको लेकर के चलेंगे तो डेल्टा
डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा ई डैश इज इक्वल टू जीरो, तो यहां से डेल्टा ई इज इक्वल टू माइनस डेल्टा ई, यानी कि एक निकाय की ऊर्जा में वृद्धि होती है तो उतनी ही जो है दूसरे निकाय की ऊर्जा में कमी होगी। यहां पर ऊष्मा के पद रख दो तो Q इज इक्वल टू माइनस का Q डैश, यानी कि एक निकाय की ऊष्मा में वृद्धि होती है तो दूसरे निकाय की ऊष्मा में उतनी ही कमी होगी। इसे कहते हैं हम ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया। इसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा ऊष्मीय रोधन, उसको जो है हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। यहाँ तक आप इनको टॉपिक्स को कंप्लीट करें, इनको पढ़ें, नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे के टॉपिक पे चर्चा करेंगे। सभी को थैंक यू, और कोरोना में घर पे रहें, अच्छे से स्टडी करें।